Assalamu alaikum viewers, this is your host Kamal Rajput. Welcome back to another episode of Lahore Food Delights. सर्दी जितनी हो चुकी है ना, और नए साल का आगाज़ हमने सोचा कि चपली कबाब के साथ करते हैं. तो आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा हान चपली कबाब गुलबर्ग में. गुलबर्ग स्क्वायर बिल्डिंग है और उसके साथ ही ऑपोजिट ही हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल भी देंगे हम एड्रेस इनका. चपली कबाब बेसिकली जो चपली कबाब है वो काफ़ी गिने चुने स्पॉट्स ही हैं जहाँ से मिलता. तो जाके देखते हैं फिर बताते हैं आपको कि क्या सीन है. चलिए फिर. All right, viewers, so the unique thing about Han Chapli Kebab is that, as you can see, कि ये लोग पहले अंडे को थोड़ा सा फ्राई करते हैं ऑयल में और फिर उसको इस कीमे में डाल के तो वो मिक्स कर रहा है. अब ये आप देख सकते हैं कि बॉल की शेप में उसको उतना कीमा लेकर और उसको उसके ऊपर टमाटर लगा के और उसी बॉल की शेप में ही नीचे से थोड़ा सा डिप किया ऑयल में और ये स्लाइड कर दिया साथ ही उसको अंदर. ये टेक्निक है जी. कोई कॉर्नफ्लोर कोई कुछ इसने यूज़ नहीं किया कि उसको आपस में इंटैक्ट रखने के लिए देसी तरीके के साथ. वो क्योंकि ऑयल गर्म होता है तो उसको नीचे से जैसे ही वो टच करता तो वो इंटैक्ट हो जाता. ओके व्यूवर्स, खाना आ चुका है और हमने ऑर्डर किए हैं. दो बीफ थे और तीन चिकन थे. साइज़ अगर आप देखो इनका तो काफ़ी रीज़नेबल है. हाथ पे उठा के दिखाता हूँ आपको, अंदाज़ा हो जाएगा. इसकी प्राइस सिर्फ 100 है. ये बीफ और साथ में चिकन. Viewers, thumbs up for them. मिर्ची और नमक सब बैलेंस्ड है. और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि बाहर से कबाब क्रिस्पी है, अंदर से जूसी है. एक नई चीज़ है और स्मेल भी नहीं आ रही. 100 rupees, आई थिंक इट्स अ वर्थ ट्राइंग. चपली कबाब काफ़ी कम जगह से मिलता है, ज़्यादा सीख कबाब का ट्रेंड चल रहा. दिस वॉज समथिंग फ्रॉम टुडे. आज दें इजाज़त, हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ. अल्लाह हाफिज़.